सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल पावन दिन चतुर्दशी का सुबह सुबह व्रत उपवास वालों के साथ 8 बजे कर रहे हैं। सीधी बात आपके साथ सादर जय जिनेन्द्र के साथ बात कुछ अचिंतन की बात कर रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी बार बार अवार्ड खतरा है शीतलाचार पर, अनाचार पर, अतिचार पर के एकल विहार होने से इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर हे हमारे आचार्य जी ने अभी 11 नवंबर को सोनागिर के 20 पंथी कोटि के अनंतनाथ मंदिर के अंदर जिस तरीके से एकल विहार पर बोला वह सब कुछ एक कान खड़े करने वाला था। उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, किस तरीके से चिंतन था यह मग्न करने वाली बात थी, सोचने वाली बात थी कि क्या एकल विहार करने से मूर्ख हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, शिथिलाचारी हो जाते हैं, स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और पापाचारी, यानी इस तरह की बातें करने से। एक बहुत बड़ी बात थी कि एक साधु ही दूसरे साधु के प्रति क्या इस तरीके से बोल सकता है। शब्द बहुत कड़वे थे, बहुत तीखे थे, पर क्या यह मर्यादा के अंदर थे या मर्यादाओं का उल्लंघन था, चिंतन आप करिएगा। पर सुन लीजिएगा एकल विहार पर उन्हें क्या बोला था सोनागिरी में जैनेश्वरी दीक्षाएं देते हुए। मैंने जब दीक्षा ली थी तो ये कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी एकल विहार नहीं करूंगा। यही नियम मैं अपने सभी लोगों को देता हूं कि तुम मर जाना उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अकेले भ्रमण करने में भगवान महावीर का धर्म बदनाम होता है, आचार्य की परंपरा बदनाम होती है, शास्त्र बदनाम होता है, ऐसा व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। एकल व्यारी शिथिलाचारी, एकल व्यारी भ्रष्टाचारी, एकल व्यारी पापाचारी, एकल व्यारी मूर्ख विचारी, एकल व्यारी अत्याचारी, एकल व्यारी स्वेच्छाचारी, एकल व्यारी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि वही मिथ्या। इसलिए मेरा ये कहना है भूल कर भी अगर तुम्हारे मन में भी विचार आ जाए तो उस दिन उपवास कर लेना अगर मन में विचार आ जाए। और होने की तो बात बहुत बड़ी है, मेरी एक आदत आपको मालूम है, कोई भी साधु हमसे ये कहे कि मुझे अकेले विहार करना है फौरन हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे, सिकोड़ा रखो रखो यहाँ पीछे का मंडल क्या कहते हैं। इसलिए ये मेरा नियम है, किसी और का जो हो मैं अपना नियम बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल कठोरता में है ये नियम कि जिसने एकल विहार का मन बनाया फौरन का पीछे न हो, धर्म की अति नहीं करानी है, धर्म की प्रभाव न करानी है। और ये आचार्यों का ही लक्षण है, धर्म की प्रभाव न और किसी का लक्षण। इसके बाद संपर्क हुआ चैनल महालक्ष्मी का आचार्य श्री विज्ञान भूषण जी से, उन्होंने कई उदाहरण दे दिए। शांति सागर जी छाणी आचार्य श्री, आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण वाले, आदि सागर अंकलेश्वर जानी जो जिससे इस सदी के अंदर पिछली सदी में परंपराएं शुरू हुई, जो परंपराएं आज तक चल रही हैं, क्या वह तीनों एकल विहारी नहीं थे जिन्होंने परंपराओं को आज इतना बड़ा फलीभूत कर दिया? क्या उनमें कहीं शिथिलाचार दिखा? क्या वह मूर्ख कहलाते थे? क्या वह पापाचारी थे? उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। उन्होंने नवीनतम का आचार्य विद्यानंद जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने भी किस तरीके से एकता का शंखनाद अकेले रहते हुए करा, चाहे श्रवण बेलगोल का महामस्त का अभिषेक रहा हो या 2500 निर्वाण महोत्सव रहा हो महावीर स्वामी का, आज भी हर कोई उनको याद करके हैरान हो जाता है। उस परंपरा से आज तक क्या उनमें कहीं ऐसी बात आई? तो एकल विहार की आगम सम्मत बात करी उन्होंने, इस बारे में उनका क्या कहना था जरा सुनिए आचार्य श्री विज्ञान भूषण जी से। उन्हें दीक्षा देते हुए कहा कि जो अकेले रहता है अथवा अकेले विचरण करता है वह भ्रष्टाचारी शिथिलाचारी सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता, पापाचारी है, मूर्ख है, अत्याचारी है, स्वेच्छाचारी है और मिथ्या दृष्टि है। फिर उन्होंने ये बात कही कि जो मोबाइल और लैपटॉप आदि का प्रयोग करता है तो वो भी जो है भ्रष्टाचारी ही होता है। कभी भी किसी को साधु को मोबाइल और लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि जब श्रावक के लिए शिक्षा व्रत में आता है कि सीमाएं के बाहर वो जो है किसी से आवाज तेज करके बोल के बता कह भी नहीं सकता, और समुन्दर पार फिर पे ऐसी बात जाएगी, और आज ये जो वीडियो बना बना कर चार तरफ डाली जा रही है, ये किस नियम के तहत ये नियम के अंतर्गत आता है? आचार्य शांति सागर छानी, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आदि सागर अंकलीकर, आचार्य विद्यानंद महाराज जी आदि आदि बहुत अच्छे अच्छे जो आचार्य जिनके द्वारा परंपराएं चल रही हैं, वो आचार्य भी अकेले रहे, विचरण किया, क्या वो सब मूर्ख थे या पापाचारी थे, क्या थे वो? यह लांछल उन्होंने किस आधार पर अनुसार लगाया है? क्या ये शोभा देता है? क्या संघों में सदाचार भ्रष्टाचार पनपता है तो उसको क्या कहोगे? संघ में रहोगे तो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सारी बातें दब जाती हैं। संघ के अंदर रह के आप कितने भी गलत काम कर लोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। क्या इसीलिए शलाका पुरुष रुद्र जो सम्यक दृष्टि और एक भवतारी होता है कि उत्पत्ति को क्या कहेंगे? वर्तमान में भी अनेक तरह की बातें संघों में होती हैं, उनको क्या कहेंगे? एक बार को अकेले विचरण करने वाला साधु जो आहार विहार निहार की चर्या अथवा किसी से चर्चा आदि भी करेगा तो बहुत सोच समझ कर और डर कर करेगा कि मेरे ऊपर कोई उंगली न उठ जाए। हाँ, अगर कर्मोदय के कारण कोई घटना होती है तो वह अकेले अथवा संघ में कहीं भी हो सकती है। जो संबोधन आचार्य विनम सागर ने प्रयोग किए हैं, कौन से शास्त्र जो पूर्वाचारों द्वारा लिखे गए हों के अनुसार कहे हैं? यदि वे कहते हैं कि मेरे विचार हैं तो अपने विचार प्रमाणिक नहीं होते, और इस तरह के विचार स्वच्छंदचारी प्रमाणित करते हैं। चिंतन मनन सवाल वही रह जाता है कि क्या हम इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? ये जरूर कहते हैं एकल विहार नहीं करना चाहिए, यह बात जरूर है, पर उसके साथ इतनी बातें कह देना शायद यह मर्यादित है या नहीं, ये आपको सोचना है। कड़वी बात है पर मीठी बात है या नहीं, चिंतन की बात है आगम की सम्मत है या नहीं, यह सब आप निर्णय कीजिए। आप जवाब देखिए कि मिथ्याचारी भ्रष्टाचारी पापाचारी स्वच्छंदचारी और कुछ कुछ बोलें, क्या हम इतना ज़्यादा किसी संत के बारे में किसी व्यक्तिगत के बारे में तो बोल सकते हैं आप जिसकी चर्या खराब हो, पर क्या इस तरीके से कहना उचित है या अनुचित, निर्णय समाज करे। हम तो केवल आपके पास लाए हैं दो तरफ की बातें, दोनों के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ फिर मिलेंगे आपके पास रात्रि 8 बजे।